ये डिब्बा कितने का होता है टेप का भैया? ये डिब्बा टेप का 140 रुपए का है। 140 रुपए का है। हाँ। और कितने का बिक जाएगा ये शॉप पे? आराम से 10 रुपए का टेप बिकता है ना? हाँ, 10 रुपए का आराम से। कितने पीस होते हैं इसमें? 30 पीस होता है। 30 पीस होते हैं ये, 300 रुपए का आराम से बेच सकते हो। हाँ। कैसे हो दोस्तों, आज मैं आ चुका हूँ लाजपत राय मार्केट के अंदर। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ इलेक्ट्रिक बिजनेस कैसे करना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक बिजनेस करने के लिए सिखाऊंगा भी और दिखाऊंगा भी। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम दिखाने वाले हैं किस किस रेट से वायर सॉकेट सारी चीजें कैसे स्टार्ट हो जाती है और कैसे बिजनेस करना, कितने रुपए से स्टार्टिंग कर सकते हो आप अपनी शॉप की, सारा कुछ बताने वाले हैं इस वीडियो में। बने रहिए लास्ट तक। आइए चलते हैं सर से बात करते हैं, यहाँ के ओनर से। आज हम आ चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक के मार्केट में। यहाँ पर सारा स्विच सॉकेट वायर सारा चीज होलसेल रेट में आपको मिलने वाला है, काफी सस्ते रेट से मिलने वाला है और बिजनेस भी कर सकते हो। बिजनेस कितने रुपए में करना सारा कुछ बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलते हैं यहाँ के ओनर से बात करते हैं। तो सर, अपने यहाँ किस किस रेट से स्टार्टिंग हो जाती है सारे सामान की? जी, हमारे यहाँ सारे सामान स्विच है आपके पास 9 रुपए का। अच्छा, 9 रुपए का स्विच। हाँ, कौन सा वाला मिल जाता है? उजाला कंपनी का मिलेगा। उजाला कंपनी का मिलेगा। हाँ, उजाला 9 रुपए का। 9 रुपए का स्विच मिलेगा। अच्छा, इसमें मिल जाता है? इसमें मिल जाएगा। ये 9 रुपए का है? हाँ, ये 9 रुपए का। 9 रुपए का स्विच। और इसका ये सॉकेट कितने रुपए का आ जाता है? ये सॉकेट आपका 17 रुपए का। 17 रुपए का सॉकेट है। हाँ, बहुत बढ़िया। और रेगुलेटर की बात करें तो रेगुलेटर मिल जाएगा आपको 25 रुपए का। 25 रुपए का रेगुलेटर है, बहुत बढ़िया। और ये स्विच? ये स्विच पड़ जाएगा आपको 9.5 रुपए का। ये 9.5 रुपए का ये भी पड़ जाएगा। और ये सॉकेट? सॉकेट पड़ जाएगा आपको 17 रुपए का। 17 रुपए का। हाँ। अच्छा, और इससे अच्छे में आ जाए और बढ़िया में? और इससे बढ़िया में आ जाए तो नॉस्ट्रम कंपनी का आएगा या बोर्ड लगा हुआ है, देख लो ये वाला। हाँ, ये अच्छा वाला। ये सारे मॉडल मिल जाएंगे? ये सारे मॉडल मिल जाएंगे आपको। सारे मॉडल आपको नॉस्ट्रम कंपनी में मिल जाएंगे, ये ले सकते हो आप। कितने रुपए से स्टार्टिंग हो जाती है यहाँ पर? आपके नॉस्ट्रम में लोगे तो 10 रुपए से स्टार्टिंग है यहाँ पर। 10 रुपए से। हाँ, और सीट की बात करें तो? सीट की बात करें तो यहाँ पर सीट 115 रुपए से स्टार्टिंग है। 115 रुपए सीट स्टार्टिंग है। हुडन वाली कितने की है? ये हुडन वाली इसका 12 मॉडल लोगे 125 रुपए का है। 125 रुपए का है। तो अपनी शॉप पे ले जाके ये जैसे आप बता रहे हो कि ये 10 रुपए का स्टार्टिंग हो जाता है, कितने रुपए का बिक सकता है? आप आराम से आप बेच सकते हो 14-15 रुपए का बिक सकता है। बहुत बढ़िया, नॉस्ट्रोम कंपनी का होता है सारा माल। नॉस्ट्रोम कंपनी का, बहुत बढ़िया। अच्छा, हम वायर की बात करें तो क्या मिल जाता है अपने पास? जी, हमारे पास वायर मिल जाएगा, डालमिया कंपनी का मिल जाएगा और क्रॉम्पटन मिल जाएगा, खेतान मिल जाएगा, बहुत सारी कंपनी है। आरके मेट्रो मिल जाएगा। आरके मेट्रो भी मिल जाएगा। आरके व्हाइट मिल जाएगा। ठीक है, होल्डर की बात करें कितने का पड़ जाएगा? होल्डर 180 रुपए का डब्बा है, 20 पीस का। 180 रुपए का डिब्बा ये वाला मिलेगा? कोई सा भी ले लो 180 रुपए का है। कोई सा भी 180 रुपए का। अच्छा, हम वायर की बात करें तो कितने कितने रुपए की मिल जाती है? सर जी, ये 40-76 मिल जाएगा आपको 110 रुपए का। 110 रुपए का 40-76। हाँ, बहुत बढ़िया। और ये कौन सा होता है? ये आपका 14-76 है। ये कितने का पड़ेगा? मिल जाएगा आपको 75 रुपए का। 75 रुपए का। हाँ, और ये कौन सा होता है? ये आपका होता है, ये कलर वाइज होता है। हाँ, ये आपको मिल जाएगा 115 रुपए का। 115 रुपए का ये वाला मिल जाएगा। ठीक है। हाँ, और ये स्विच नॉस्ट्रोम कंपनी के होते हैं? ये नॉस्ट्रोम कंपनी का है। ठीक है, ये होल्डर कौन सा होता है? ये होल्डर 4x4 होता है। ये होल्डर 4x4। ये कितने का पड़ता है? ये आपका 180 रुपए का डब्बा है, 10 पीस का। 10 पीस का। हाँ, शीट की बात करें तो कितने रुपए की पड़ जाएगी मॉडलर में? मॉडलर में शीट की बात करें तो ये वाला साइज मिल जाएगा आपको 35 रुपए का। 35 रुपए का। कितने का बिकेगा ये? आराम से आप 40-45 रुपए बेच सकते हो। अच्छा, 40-45 रुपए बेच सकते हो। इसमें ब्लैक में भी आ जाती है? हाँ, कलर लोगे तो कलर में भी मिल जाएगा। ये देखो भाई, कलर में ही मिल जाएगा, कितना टेस्टिंग लग रहा है। ये कितने की पड़ेगी? ये वाली शीट पड़ जाएगा आपको 55 रुपए का। 55 रुपए की ये वाली पड़ जाएगी। ये माल कौन कौन सा होता है अभी? जी, यहाँ पर हमसे ये जो है ना, डालमिया कंपनी का है, प्योर कॉपर है। ये प्योर कॉपर है, 90 मीटर। अच्छा, 90 मीटर पूरा होता है डालमिया कंपनी का? जी, 90 मीटर पूरा है। कंपनी के कौन से वाले वायर को टक्कर देगा ये? आपका RR हेवस हुआ, पॉली के हुआ, एंकर हुआ, सारे का टक्कर का ये टक्कर का है। कितने रुपए से एक एमएम स्टार्ट हो जाता है इसका? 1 mm आपका स्टार्टिंग है 600 रुपए से। 600 रुपए से। हाँ, 600 रुपए से स्टार्टिंग है इसका। 600 रुपए से 1 mm स्टार्टिंग है। और इसका 2.5 mm 4 mm 70 रुपए का। इसका 2.5 mm लोगे 1700 रुपए का है, 4 mm लोगे 2450 रुपए का है। 2450 रुपए का। 2450। ठीक है। और ये इंडियन कैप कौन सा होता है? इंडियन कैप ये तो और हेवी होगा, इससे भी ज्यादा हेवी होगा। ये कितने का स्टार्टिंग होती है इसका? 1 mm लोगे 750 रुपए का है। 750 का। 750 रुपए का है। ओके। और 2.5 mm? 2.5 mm लोगे 1900 रुपए का है। 1900 रुपए का। फोर का? 4 mm मिल जाएगा 2600 रुपए का। 2600 रुपए का। खेतान की? खेतान की? खेतान में मिल जाएगा। खेतान कौन कौन सी होती है? खेतान में 2-3 क्वालिटी आता है। 2-3 क्वालिटी आता है खेतान में। स्टार्टिंग क्या रुपए से होती है खेतान में? ओरिजिनल वाला कॉपर में? ओरिजिनल वाला कॉपर लोगे स्टार्टिंग मिल जाएगा आपको 450 रुपए से। और 1.5 mm का? 1.5 mm मिल जाएगा 650 रुपए का। 2.5 mm? 2.5 mm मिल जाएगा आपको 1000 रुपए का।
हैवेल्स की बात करें तो स्विच कौन कौन से मिल जाते हैं अपने यहाँ? हैवेल्स का मिल जाएगा। कितने रुपए से स्टार्टिंग है? हैवेल्स का स्विच लोगे 1450 रुपए का स्विच है। 1450 रुपए का हैवेल्स का स्विच है। हाँ, ये देख सकते हो भाई, हैवेल्स रहो है इनके पास। हाँ, ये कितने का पड़ेगा? ये 1450 रुपए का स्विच है। ग्रेड व्हाइट कितने का पड़ेगा? ये मिल जाएगा, इसका स्विच है आपका 1050 रुपए का। 1050 रुपए का स्विच है। हाँ, 1050। और सॉकेट कितने का है? सॉकेट है आपका 2200 रुपए का। 2200 रुपए का है। हाँ। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, ये कौन सा होता है? ये आपका एंकर का है। एंकर का कितने का पड़ेगा? एंकर का स्विच लोगे 1250 रुपए का है। 1250 रुपए का स्विच है। हाँ। अच्छा, एंकर का 1250 रुपए का स्विच मिल जाता है। हैवेल्स की सीट कितने की पड़ती है? हैवेल्स की सीट 12 मॉडल लोगे 165 रुपए का है। और 6 मॉडल? 6 मॉडल है 155 रुपए का। 155 रुपए का। हाँ। अच्छा, एमसीबी की बात करें तो केबल्स में कौन कौन से मिल जाती है अपने यहाँ? सारे मिल जाएगा, 6 से लेकर 32 तक सारे साइज मिल जाएगा। कितने रुपए से स्टार्टिंग होती है ये एमसीबी? कोई सा भी साइज ले लो, ये आपका 45 रुपए का है। 45 रुपए? कोई सा भी साइज ले लो आप। ठीक है, कोई सा भी साइज। आइसोलेटर कितने का पड़ता है? इसका आइसोलेटर मिल जाएगा आपको 110 रुपए का। ठीक है, ये कौन सा कंपनी का है भैया? ये आपका करमटन कंपनी का है। कितने का पड़ेगा इसका? वो एम एम लोगे 550 रुपए का है। 550? और 2.5 mm? 2.5 mm मिल जाएगा 950 रुपए का। 950 का 2.5 mm? हाँ। बहुत बढ़िया। 4 mm? 4 mm मिल जाएगा आपको 1700 रुपए का। 1700 रुपए का। पॉलीफ्लेक्स का कौन सा होता है? ये पॉलीफ्लेक्स ये कॉपर में है। कितने का पड़ेगा इसका? 1 mm मिलेगा आपको 650 रुपए का। 2.5 mm? 2.5 mm मिल जाएगा आपको 1900 रुपए का। और 4 का? 4 mm मिल जाएगा आपको 2400 रुपए का। 2400 रुपए का। हाँ। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, ये क्या होता है भैया? ये जो है ये जो थ्री पिन टॉप है, निकाल के दिखाओ। ये 3 pin top होता है। कितने का डिब्बा पड़ता है? ये 20 पीस का डिब्बा है 160 रुपए का। 20 पीस का डिब्बा 160 रुपए का है। हाँ। कितने का बिकेगा ये शॉप पे जाके? ये आराम से 200 रुपए तक बेच सकते हो। अच्छा। हाँ। ये डिब्बा कितने का होता है टेप का भैया? ये डिब्बा टेप का 140 रुपए का है। 140 रुपए का है। हाँ। और कितने का बिक जाएगा ये शॉप पे? आराम से 10 रुपए का टेप बिकता है ना? हाँ, 10 रुपए का आराम से। इसमें कितने पीस होते हैं? इसमें 30 पीस होता है। 30 पीस होते हैं, ये 300 रुपए का आराम से बेच सकते हो। हाँ। जो भी सामान भैया ने दिखाया है सारे सामान में डबल होने वाला है, ठीक है? आपका अपनी शॉप खोल सकते हो। अच्छा, शॉप की स्टार्टिंग कई रुपए से हो जाती है? शॉप की स्टार्टिंग आप 50,000 तक कर सकते हो। अच्छा, 50,000 से स्टार्टिंग कर सकते हैं। हाँ, स्टार्टिंग कर सकते हो। बाकी 1,00,000, 2,00,000, 4,00,000, 10,00,000 जितने का भी माल भर लो अपनी शॉप में आप भर सकते हो, ठीक है? और स्टार्टिंग कर सकते हो। स्टार्टिंग। और ये कौन सा बल्ब होता है? ये आपका एलईडी बल्ब होगा 9 वाट का। कितने का पड़ता है? ये आपका 25 रुपए का। 25 रुपए का एलईडी बल्ब। 25 रुपए का एलईडी बल्ब है। ये कितने वाट का है? 9 वाट का। ये 9 वाट का है। अच्छा, 40 रुपए का आराम से सेल कर लो अपनी शॉप ले जाकर, ठीक है? 40 रुपए ये भी ले सकते हो आप। हाँ। तो ये भैया की शॉप जो पड़ जाती है, ये पड़ती है दिल्ली के लाजपत राय मार्केट में पड़ती है। यहाँ से आके सारा सामान आप ले सकते हो, होलसेल रेट में मिल जाएगा, ठीक है? और यहाँ से आके अपनी शॉप भी शुरू कर सकते हो। माल इनके पास कमी नहीं है माल की, जितना माल आप लेना चाहो उतना ले सकते हो, ठीक है? और अपनी शॉप चालू कर सकते हो।